फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा है कि आप लोग मजे में होंगे। आज मंगलवार है, 6 जुलाई है। हिंदी महीने की बात करूँ तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, मतलब 12वीं तिथि है। तो आज 12वीं है तो 15वीं तिथि को अमावस्या हो जाएगी। तो जैसे आज 12, फिर 13, 14, 15, तो 15 यानी उस दिन अमावस्या हो जाएगी, फिर से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों को हिंदी महीने में इंटरेस्ट है, तीज त्यौहार ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे कुछ रेसिपी की, किचन की, देश और दुनिया की, सुविचार होगी। आज हम आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो है निराली मिर्ची। तो जानते हैं यह कैसे बनती है। निराली मिर्च बनाने के लिए मिर्च को पहले पतली और लंबी फांकों में काट लेंगे। इस पर नींबू का रस डाल लेंगे। बेसन और नमक को डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि बेसन मिर्च पर पूरी तरह लिपट जाए। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे, उसमें मिर्च को शैलो फ्राई करेंगे। जब यह कुरकुरी हो जाएगी तो पैन से इसे निकाल देंगे। अब बचे हुए तेल में जीरा, सरसों, सौंफ डाल लेंगे, साथ ही अदरक और प्याज डालकर भून लेंगे। हल्दी भी मिला देंगे। प्याज के हल्के भूरे हो जाने पर कुरकुरी मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से निराली मिर्ची बनकर तैयार हो जाएगी। तो अपने नए घर में पूजा घर का निर्माण कराने जा रही हैं, तो और यदि आपको वास्तु में विश्वास है तो मैं कुछ बताती हूँ। यदि आप पूजा घर बनाने जा रही हो तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा माना जाता है। इसे ईशान कोण भी कहते हैं। यदि नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बनाना संभव ना हो तो पूर्व और पश्चिम की दिशा में बना सकते हैं। और यदि आपका घर बहुत बड़ा है, यदि फैक्ट्री में बनवा रहे हैं, तो बीच का जगह चुने, उस जगह पूजा घर बनाना अच्छा होता है। और यदि आप पूजा घर की दीवार को किसी रंग से रंगवाना चाहती हैं तो सफ़ेद, हल्का पीला या नीला रंग इसके लिए शुभ माना जाता है। छत यदि पिरामिड के शेप में हो तो वह अच्छा माना जाता है। पूजा घर में भगवती की प्रतिमा हो तो उसे दीवार से 1 इंच की दूरी पर स्थापित करें। तो यह हुई वास्तु की बातें। तांबे के बर्तन की चमक को बरकरार रखना आसान काम नहीं है, फिर भी हम कुछ घरेलू नुस्खा आजमा के उसकी चमक को वापस ला सकते हैं। पहला यह कि हम एक नींबू को बीज से काट दें, उस पर नमक डाल दें। अच्छा, नमक और नींबू से हम बर्तन को रगड़े और आधा घंटा से यूं ही छोड़ दें। उसके बाद आधे घंटे बाद बर्तन को धो लें तो चमक आ जाती है। दूसरा यह कि विनेगर में आप 1 चम्मच नमक डालें और उसे तब तक मिलाएं जब तक नमक पूरी तरह घुल ना जाए। फिर एक स्पंज से उस विनेगर को बर्तन पर पूरी तरह फैला लें और आधा घंटा बाद उस बर्तन को धो लें। और तीसरा यह कि हम टमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए। तो टमेटो केचप को आप उस बर्तन पर पूरी तरह स्पंज की सहायता से फैला दें, फिर आधा घंटा बाद उसे धो लें, रगड़ के ब्रश से उसे साफ कर लें। और धो लेने के बाद बर्तन पे ऑलिव ऑयल लगा दें। और फिर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है तांबे के बर्तन की सफाई के लिए। आधुनिक जमाने में रसोई की बनावट और सजावट बिल्कुल बदल चुकी है। नए नए तकनीक, नए नए आधुनिक सामान जो हमारे रसोई के काम को आसान बनाते हैं, बहुत सारे सामान हो जाते हैं। रसोई में हम पौधा भी रखते हैं सजावट के लिए, कमरे में भी रखते हैं। तो हमें रसोई में केवल जरूरी पौधे ही रखने चाहिए, कुछ हर्ब्स रखने चाहिए। छोटे छोटे गमले में हम धनिया, लेमन ग्रास, पुदीना लगा सकते हैं। और जबकि लता वाले प्लांट्स चाहे इंडोर शो प्लांट को हम हटा सकते हैं, क्योंकि इससे किचन भरी भरी लगती है और फिर बरसात में कीड़ा पनपने का भी खतरा रहता है। आजकल ओपन किचन का ट्रेंड है, यानी यह लिविंग रूम से जुड़ा हुआ होता है, इसके बीच कोई दीवार नहीं होती है। तो हमारा जो भारतीय भोजन है इसमें हम लोग छौका और बघार का ज़्यादा चलन होता है। लिविंग रूम में जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो सकता है, तो कोशिश करें कि इसे किचन से दूर रखें। अगर कमरा छोटा हो तो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें। कोशिश करें कि किचन और लिविंग रूम के बीच एक पार्टीशन हो, एक पर्दा हो, जिससे खाना बनाते समय तेल, भाप या जो गर्माहट होती है वह लिविंग एरिया में ना पहुँच सके। किचन में चाकू को स्टैंड में रखने की बजाय ड्रॉर में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यह बच्चों की पहुँच से दूर रहेगा। यदि आप चॉपर का इस्तेमाल करती हैं तो चॉपर का इस्तेमाल करने के बाद उसे अच्छी तरह से धो ले, पोछ ले, सुखा ले, उसके बाद किसी बॉक्स में रखें तो यह ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। और यदि आप किचन में कोई मैगजीन या रेसिपी की बुक रखती हैं तो उसे फौरन हटा दें, क्योंकि इससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है। तो अच्छा रहेगा कि आप इसे किचन में ना रखें। यदि आप खाना बनाने के समय मोबाइल, स्पीकर या टैबलेट, किसी तरह का गैजेट्स का इस्तेमाल करती हैं तो कोशिश करें कि उसे चूल्हे से दूर रखें। हो सके तो उसे अपोजिट डायरेक्शन में रखें चूल्हे के, इससे तेल, पानी, भाप से इसका बचाव होगा। और काम हो जाने के बाद इसे आप तुरंत हटा दें किचन से। और
किचन के किसी अलमारी में इन गैजेट्स को न रखे परमानेंट, क्योंकि किचन की गर्माहट से यह खराब हो सकता है। मुझे पता है कि आप इन सब बातों को जानती हैं, बस मैंने एक बार याद दिला दिया। अब घर, रसोई और रेसिपी की बात के बाद अब करती हूँ थोड़ी देश दुनिया की बातें। एक खुशखबरी है, कोरोना के संक्रमण की घटती दर को देखकर हमारे स्टेट मतलब बिहार में आज ऐसा न्यूज़ आया है कि इस 10वीं के बाद स्कूल, कॉलेज और सब तरह के शिक्षण संस्थान को खोल दिए जाएंगे और रेस्टोरेंट भी खुल। इन सब जगहों में 50% ही उपस्थिति रहेगी, तो इस शर्तों के साथ ये सब खोले जा रहे हैं। अनलॉक होते ही हिल स्टेशन पे टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं और बहुत ही भीड़ होने लगी है। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूलते जा रहे हैं, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि विदेशों में सामाजिक समारोह के कारण फिर से कोरोना फैलने लगा है। तो हमने देखा है दूसरी लहर में हमने कितनी तबाही देखी है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना ही है। हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, इन बातों का सभी को ख्याल रखना चाहिए। धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ही है, क्योंकि विदेश में डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुर्तगाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहाँ हर रोज मामले दुगने होते जा रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में भी डेल्टा वेरिएंट के कारण मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। एक अच्छी न्यूज़ गुजरात से आई है। गुजरात में 501 दंपतियों ने एक साथ मिलकर 2500 पौधे लगाए हैं। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऐसा उन लोगों ने किया है, तो ये तो एक अच्छी बात है और हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, हमें भी पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और अब चलते चलते एक सुविचार, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, साया भी धूप में आने के बाद मिलता है। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।